हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। हाँ जी दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है। अभी हाल फिलहाल में आपकी एग्ज़ाम्स आने ही वाली है, सब लोग ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के पीछे है। तो यहाँ पे मैंने जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक के बेस पे मैं सिर्फ आपको एक एंड टाइम रिविजन्स करवा रही हूँ। यानी आप अगर पूरा चैप्टर पढ़ लिए हो और एग्ज़ाम्स के लिए जाने वाले हो और एकदम क्विक से सब रिविज़न करना है, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल कर दिया है। ठीक है, तो आज के मेरे इस कंसेप्ट में मैं क्या क्या करवाने वाली। सबसे पहले तो मैं बताने वाली हूँ कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनवायरनमेंट, फिर उसके बाद हम लोग का है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, और उसके बाद लास्ट हम लोग का है कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस वीडियोज़ में हम लोग वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आजू बाजू की जो भी चीज़ें रहती है वो चेंज होती रहती है, और उस चेंजेस के हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जैसे हम लोग का नेचुरल एनवायरनमेंट रहता है जो हम लोग आजू बाजू में घिरे फिरे रहते, वैसे ही हम लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का भी एनवायरनमेंट रहता है। यानी बाहर की चीज़ों की वजह से, बाहर के फैक्टर चेंज होने की वजह से हम लोग को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस लेके आने बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस का एनवायरनमेंट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ याद रखनी है, अगर कल उठ के आप भी जाके अगर बिजनेस चालू करोगे तो कोई एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे जैसे हमारा आजू बाजू का एनवायरनमेंट चेंज होता है, यानी जैसे 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 हमारा आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, तो उसके हिसाब से हमको अपनी कंपनी को भी चेंज करना पड़ता है, हमको अपने आप को चेंज करना पड़ता है, हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करेंगे तो हम कॉम्पिटिशन्स में खड़े रह पाएंगे, वरना धीरे धीरे हम पीछे चलते जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी बातें हो गई, चलते कंसेप्ट पे। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सम टोटल ऑफ डिफरेंट फैक्टर इवेंट कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेज दैट सराउंड इट एंड अफेक्ट्स इट्स ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज एंड प्लान। जो मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे आजू बाजू में जो भी चेंजेस आते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स, और उस ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हम लोग को अपनी स्ट्रेटेजी या प्लान को चेंज करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से सबसे पहले फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है। डेफिनेटली यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी अगर कुछ भी चेंजेस हुआ तो उस चेंजेस के हिसाब से हमको चेंज करना कंपलसरी है, अगर नहीं चेंज करेंगे तो हम धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स के पीछे आते जाएंगे। ठीक है, और सेकेंड हम लोग का है डायनेमिज्म ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर आर डायनेमिक, दे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, एवरी चेंज इन द फैक्टर पोजेस द थ्रेट्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एट द सेम टाइम क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द सर्टन बिजनेस यूनिट। यानी हम लोग का एनवायरमेंटल फैक्टर इस तरीके का है कि वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उस चेंजेस के हिसाब से अपने आप को कॉपअप करना पड़ता है। अब ये एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ये किसी किसी के लिए थ्रेट्स क्रिएट कर देता है, तो किसी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि उनको थ्रेट्स के अंदर जाना है कि अपॉर्चुनिटी के अंदर जाना है। ठीक है, थर्ड हम लोग का है एनवायरनमेंट इज मल्टीफेक्स, जो ऊपर में पॉइंट क्लियर आउट किया वही यहाँ पे भी है कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट मल्टी डायमेंशनल रहता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि अगर वो एक को चांस दे रहा है, यानी चेंजेस होने की वजह से अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चांस मिल रहा है तो दूसरे के पास से वो चांस ख़त्म हो सकता है, यानी वो पीछे जा सकता है। ठीक है, फोर्थ हम लोग का है एनवायरनमेंट एज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट, एनवायरनमेंट का जो भी चेंजेस होगा वो चेंजेस का इफेक्ट काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। अब हम लोग के एनवायरनमेंट जो है वो दो टाइप के रहते हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रहता है। इंटरनल एनवायरनमेंट का इफेक्ट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहता है क्योंकि वो हम लोग के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही होता है, लेकिन अगर वही बात है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है। वो कभी कभार ऐसा रहता है कि वो चेंजेस कभी ख़त्म ही नहीं होता, हमको उस चेंजेस के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये नेक्स्ट टॉपिक की तुरंत हम लोग का आगे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोग के दो टाइप्स आ गए, एक हम लोग का है इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा हम लोग का है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या रहता है, तो जो एनवायरनमेंट के ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या रहता है, जिसके ऊपर मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता, उनको उस चेंजेस के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट में हम लोग को स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है, हमको ये पता चलता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और कंपनी की वीकनेस क्या है, और उस स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज करते हैं।
डेफिनेटली लोग किसके लिए ज़्यादा काम करेंगे, स्ट्रेंथ के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करके वीकनेस को ख़त्म करना ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का काम रहता है। और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को क्या मिलता है, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को मिलता है थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। थ्रेट्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हम लोग को पीछे कर सकती है, यानी कंपटीशन से बाहर कर सकती है। और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हम लोग को कंपटीशन में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम लोग को क्या करना है, ज़्यादा करके किसके ऊपर फोकस करना है, अपॉर्चुनिटी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद थर्ड हम लोग का है जनरल एनवायरनमेंट। जनरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कोई नॉर्मल चेंजेस अगर हो रही है किसी भी एनवायरनमेंट में या किसी भी फैक्टर में, तो उसका इफेक्ट सारे इंडस्ट्रीज पे पड़ रहा है या सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एनवायरनमेंट। लास्ट हम लोग का है रिलीवेंट एनवायरनमेंट। रिलीवेंट एनवायरनमेंट क्या रहता है, ये जनरल एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट रहता है। बस इसमें ये रहता है कि हम लोग का एनवायरनमेंट चेंज जो हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते या स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलीवेंट एनवायरनमेंट। आगे में हम लोग का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। दो टाइप के कंपोनेंट रहते हैं, एक हम लोग का रहता है कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा हम लोग का रहता है कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिसको हम लोग उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से, एक लीडरशिप स्टाइल ऑफ द सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ग्रुप, क्रॉस फंक्शनल कमिटी, प्रोडक्ट, ब्रांड पॉपुलैरिटी, ये सारे इंटरनल कंपोनेंट है। एक्सटर्नल कंपोनेंट कौन कौन से है, तो पहला हम लोग का है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको हम लोग सोशल एनवायरनमेंट बोलते हैं, और उस सोसाइटी के चेंजेस की वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज करना पड़ता है, वो हम लोग का एक्सटर्नल का एक कंपोनेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या क्या चीज़ आता है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन सच एज साइज, डेंसिटी, ग्रोथ रेट एक्सेट्रा, मैटर ऑफ सोशल कंसर्न सच एज रोल ऑफ बिजनेस इन द सोसाइटी, पॉल्यूशन, करप्शन, कंज्यूमरिज्म, यूज ऑफ मास कम्युनिकेशन मीडिया एक्सेट्रा, फैमिली स्ट्रक्चर, इट्स एटीट्यूड एंड वैल्यू चेंज इन देम, ये सब चीज़ें हम लोग किसके अंदर है, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। इन शॉर्ट आपको अगर एग्जाम में लिखना है कि सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, तो आप अभी तक इकोनॉमिक्स में जो पढ़े वो उसको वहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम लोग का है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है अगर हम लोग को अपनी कंट्री की इकोनॉमी चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए और उस स्टेप के हिसाब से हम अपने आप को चेंज करते, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को चेंज करते, उसको हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। इसमें हम लोग एग्जाम्पल के दरमियान लिख सकते हैं फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इकोनॉमिक प्लानिंग, बजट एक्सेट्रा, इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एक्सेट्रा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है और आप भी जानते हो, हमारा जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था, यानी सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड हमारा कब था, 1991, तब हुआ क्या था, तो सारे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ किस में कन्वर्ट हो गई थी, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी किसको मिल रही थी, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर एकदम ह्यूज क्वांटिटी में बढ़ गए, एमलगमेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, काफ़ी कंपनी को प्राइवेट कंपनी ने टेक ओवर कर दिया, तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद हो गया, प्राइवेट कंपनीज़ के लिए। लेकिन दूसरे साइड हम लोग ये भी देख रहे हैं कि दूसरे साइड गवर्नमेंट इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या हो गई, बंद हो गई, और ऑलमोस्ट अभी 3 ही गवर्नमेंट इंडस्ट्री है जो चल रही है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से ये इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। थर्ड हम लोग का है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है पॉलिटिक्स की वजह से कुछ एनवायरनमेंट में चेंज आना और उसका इफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ना, उसको हम लोग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। इसमें आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, आइडियोलॉजिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर आइडियोलॉजी एंड सेंटर ऑफ पावर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज गोल एंड एबिलिटी, पॉलिटिकल प्रोसेसेस लाइक पार्टी इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस, फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, राइट लेजिस्लेशन विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। आप ये एग्जांपल लिख सकते हो और इसको समझने के लिए आपके पास और दो एग्जांपल्स है। एक हम लोग का 1977 में जनता गवर्नमेंट करके एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उन पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया था, तो उस टाइम पे कोको कोला नाम की काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती थी जो बाहर के लोग हमारी कंट्री में चलाते थे, तो उनको उन्होंने ऑप्शन दिया था, या तो उस कंपनी को यानी कोको कोला को तुम पूरी की पूरा इंडियनाइज कर दो
या तो फिर क्विट इंडिया कर दो। तो उन्होंने क्या किया, कोको कोला को नहीं चलाया और इंडियनाइज नहीं किया, उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया छोड़ के चले गए। लेकिन उनकी वजह से हमारा फ़ायदा हो गया, क्या फ़ायदा हो गया, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी कंट्री में बनने लगे। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक की एक नई इंडस्ट्रीज चालू हो गई और उसकी वजह से नए डोर्स ओपन हो गए नई कंपनियों के लिए जो सॉफ्ट ड्रिंक बना सकती है। यह हमारा पहला एग्जांपल है पॉइंट का इफेक्ट है। फोर्थ हम लोग का है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का मतलब होता है अगर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए तो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के चेंज होने की वजह से हमारे बिजनेस को भी चेंज होना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। इसमें एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स एंड पावर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, पॉलिसी रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारे उसके एग्जांपल है। अब इसमें आप एक और एग्जांपल डाल सकते हो, जब 1991 में हमारा एमलगमेशन चालू हुआ यानी हमारे लिबरेशन पॉलिसी हो गई थी, तो उस टाइम पे सारी कंपनी लिबरल होने की वजह से एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, टेक ओवर ये बहुत ज़्यादा चलने लगे। तो प्राइवेट कंपनी क्या हो गई, प्राइवेट कंपनी ने सारी कंपनीज को टेक ओवर कर दिया और न्यू रूल्स बने, सभी कंपनी को फ्री कर दिया गया। तो इसकी वजह से MRTP एक्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। MRTP में क्या होता था कि गवर्नमेंट के हैंड में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन रहते थे, लेकिन लिबरल होने की वजह से सारे कंपनीज जो है वो अपने हिसाब से चलने लगे थे। ठीक है, फिफ्थ हम लोग का है मार्केट एनवायरनमेंट। मार्केट एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि मार्केट में कुछ चेंजेस हो रहा है, जैसे कि कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस वगैरह चेंज हो गया, बार्गेनिंग पावर एंड द सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर विच इंक्लूड डिमांड, इमेज एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, फिर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज रिलेटेड फैक्टर्स सच एज क्वालिटी ऑफ द सर्विस ऑफ टू द कस्टमर, मिडलमैन, चैनल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे हम लोग के क्या हो गए, मार्केट एनवायरनमेंट। इसमें आप बेसिक कंज्यूमर एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स रहते हैं वो इंक्लूड कर सकते हो। लास्ट हम लोग का है सप्लायर एनवायरनमेंट। सप्लायर एनवायरनमेंट का मतलब होता है जब हम लोग चीज़ें सप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे अगर हम लोग को खर्चे आते हैं तो उसका इफेक्ट भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। इसमें एग्जांपल के रूप में आप डाल सकते हैं कंटिन्यूटी एंड कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, अवेबिलिटी एंड सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, अवेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर द प्रोडक्शन एक्सेट्रा। अब इसमें एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, आप सभी को पता है कि आयरन एंड स्टील कंपनी, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्री, ये सबको सबसे ज़्यादा फ्यूल लगता है। ठीक है, अगर फ्यूल सस्ता है तो इन लोगों को काफ़ी फ़ायदा करेगा क्योंकि कॉस्ट कम पड़ रहा है, लेकिन अगर फ्यूल महंगा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये कंपनी को फेस करना पड़ेगा नए चैलेंज को। अब उनके पास एक ऑप्शन है, उस कॉस्ट को कंटिन्यू करके अपने बिजनेस को चलाते रहे या तो फिर बिजनेस को बंद कर दे। ठीक है, काफ़ी कंपनी क्या करती है, चैलेंजिंग ग्रुप में इसको आगे बढ़ाती रहती है और काफ़ी कंपनी इसको क्लोज कर देती है क्योंकि वो कॉस्ट उतना नहीं पे कर पाते। तो ये हम लोग का क्या हो गया, सप्लायर एनवायरनमेंट। लास्ट हम लोग का है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है अगर टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ नई मशीन्स आ रही है, कुछ नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं और वो नई टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लेकिन ये फ़ायदेमंद होती है वो कंपनियों के लिए जो नए नए चीज़ें सीखना चाहते हैं, लेकिन जो पुराने मेथड के हिसाब से ही चल रहे उनके मेथड, उनका जो ऑलरेडी चलता आ रहा जो एग्जिस्टेंस मेथड है उस मेथड को ही हम लोग चलाना चाहते तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो उनका बिजनेस जो है धीरे धीरे पीछे चलता जाएगा और जो नए बिजनेस है जो ये नए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को अप्लाई कर रहे तो वो आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें आपके पॉइंट्स है सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, एक्सटर्नल सोर्स, फॉरेन सोर्स, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन एक्सेट्रा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, फेज ऑफ डेवलपमेंट, चेंज इन टेक्नोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन बींग, एनवायरमेंट इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैन मशीन सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो कंपोनेंट्स है वो कंप्लीट हो रहा है। इन शॉर्ट अब पूरे चैप्टर में क्या पढ़े, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट वो जिसमें हम लोग बाहर की चीज़ों की चेंजेस की वजह से अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करते हैं उसको हम लोग एनवायरमेंट बोलते हैं। इसमें बेसिक दो टाइप का एनवायरनमेंट रहता है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जिसके ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल रहता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसके ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, उनको उस चेंजेस के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। फिर उनके कंपोनेंट्स हम लोग ने पढ़े, इंटरनल कंपोनेंट में हम लोग की जो अंदर ही अंदर चेंजेस होने वाली चीज़ें जैसे कि मैनेजर की सैलरी होगी, नए टीम स्पिरिट हो गया, फिर ब्रांड पॉपुलैरिटी हो गया, ये इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हो गए। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट काफ़ी कोई चीज़ थी जैसे कि सोशल एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो पूरे सोसाइटी के ऊपर लगता है। इसकी वजह से
अगर वो चेंज हो रहा है तो हम सोसाइटी को नहीं चेंज कर सकते, हमको क्या करना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खुद चेंज करके उस चेंज में अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का कॉम्पोनेंट्स भी कम्प्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया, अगर आपको समझ आया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। अगर आपको कुछ दिक्कत आई है, कोई प्रॉब्लम आया जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप वो भी जाके बता सकते हो, और आपके अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ बताइए, ताकि मेरे को भी पता चले। कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी बताइए, तो मैं वो भी करूँगी। इसी तरीके से वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।